हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शंस। मैंने स्टेप्स आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, अब आज हम डिजाइनिंग के बारे में देखेंगे कि कैसे हम अपने डिजाइन को कर सकते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। तो पहला न्यूमेरिकल है जो हमारा, उसमें ऐसे है टू फ्लैट्स। फ्लैट्स का मतलब होता है कि आपकी कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, जिसमें बी इंटू टी का कॉम्बिनेशन दिया होता है हमको डायमेंशन में। तो 210x8 mm का मतलब है ये आपका बी हो जाएगा और ये 8 mm आपका हो जाएगा टी, ठीक है। तो दे आर टू बी ज्वाइंटेड यूजिंग M20 bolts। मैं फिर से अंडरलाइन कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। M20 bolt का ये सिग्निफिकेंस है, ये हमें डायमीटर बताएगा। यहाँ पे जो 20 है वो हमको बोल्ट का डायमीटर बताएगा, ठीक है। बोल्ट्स टू फॉर्म अ लैब ज्वाइंट। किस टाइप का ज्वाइंट हमें बनाना है? लैब ज्वाइंट बनाना है। द ज्वाइंट इज सपोज टू ट्रांसफर अ फैक्टर्ड लोड ऑफ 250 kN, यानी हमें फैक्टर्ड लोड भी गिवन है। तो सबसे पहले जो भी हमें डिजाइन करना है ज्वाइंट एंड डिटरमाइन सुटेबल पिच, गिवन डेटा हम देख लेते हैं। गिवन डेटा में आप क्वेश्चन में जो जो दिया है सीधे लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया 210 mm और by 8 mm, तो b इंटू टी हमको गिवन है। यानी विथ हमें दी हुई है 210 mm और थिकनेस हमको दी हुई है 8 mm। ये हमने बी और टी यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक। M20 से हमको पता चलेगा डायमीटर, तो ये हमारा डायमीटर आ गया 20 mm। अब इस डायमीटर से हमको दो फर्दर चीजें मिलती हैं, एक डायमीटर ऑफ होल मिलेगा। अब क्योंकि इसका बोल्ट का डायमीटर 20 है, तो मैंने बताया था अगर 16 से 24 mm है आपके बोल्ट का डायमीटर, तो डी नॉट जब हम निकालेंगे तो हमेशा आएगा डी प्लस 2। ये थंब रूल आपको याद रखना है, अगर डी की वैल्यू 16 से 24 के बीच में है तो डी नॉट हो जाएगा डी प्लस 2। तो यहाँ पे 20 mm थी, इसी रेंज में थी, तो हमने लिख दिया 22 mm। और एक और वैल्यू हमको डी से मिलेगी जो कि होगी ए एन बी, और ये हो जाएगी 245 mm². ये कॉन्स्टेंट है, आपको याद रखना होगा 20 mm के लिए इतना ही होता है, ठीक। तो ये M20 से हमको ये तीन वैल्यूज फर्दर हमको मिल गई। अब आगे लिखा हुआ है लैब ज्वाइंट। अब लैब ज्वाइंट का क्या सिग्निफिकेंस है? टाइप ऑफ ज्वाइंट, लैब ज्वाइंट डबल कवर सिंगल कवर, ये हमको बताता है कि एनएन की वैल्यू कितनी है। तो लैब ज्वाइंट के लिए एनएन की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो यहाँ पे हमें लैब ज्वाइंट से ये पता चल गया कि एनएन की वैल्यू हमको 1 यूज करनी है। फिर फैक्टर लोड हमको गिवन है 250 kN, ये हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अगर ये सर्विस लोड होता 250 kN सर्विस लोड या वर्किंग लोड, तो इसमें हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते जो कि है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, तो हमारा जो भी सर्विस लोड था वो फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट हो जाता। पर यहां पर हमको ये नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर्ड लोड गिवन है। फिर ये FUV की वैल्यू, ये कांस्टेंट होती है क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा है कि कौन सा बोल्ट है, तो ऑर्डनरी बोल्ट मानेंगे। ऑर्डनरी बोल्ट के लिए जो ग्रेड होता है वो 4.6 होता है, तो FUV कांस्टेंट हो गया 400। FU की वैल्यू भी कांस्टेंट है क्योंकि हम FE 410 का ही इस्तेमाल करते हैं स्टील का अपने मेंबर बनाने के लिए, तो ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ये वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट होगी। तो ये तीनों हमने एज इट इज कॉपी कर ली, ठीक है, जो हमें पता था। अब स्टेप 1 पे आते हैं, मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सबसे पहले हमको नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होगा फैक्टर्ड लोड अपॉन VDSB। ये गिवन है, ये निकाल लेते हैं। ये आप सब लोग जानते हो इसका फॉर्मूला, फटाफट आपने फॉर्मूला नोट किया जो आपको दिया हुआ था, ये NNNB वाला। यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दी, सारी वैल्यूज हमको नोन है। कैलकुलेट करने के बाद आपको VDS भी ये आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो फाइनली हमने जब इस वाले फॉर्मूले में रखा सारी वैल्यूज को, तो यहां से हमको 5.52 मिलेगा। ऑब्वियसली 5.52 बोल्ट हम नहीं ले सकते, तो मैंने आपको बताया था जनरली इवन नंबर ऑफ बोल्ट ही कंसिडर करते हैं। तो अगर 5.52 आया है तो नंबर ऑफ बोल्ट जो हम लेंगे वो हो जाएगा 6, ठीक है। अब 6 बोल्ट आ गए, सबसे पहले अब आपको ये डिसाइड करना है। मैंने बताया था, एक रफ स्केच बनाती हूं, अगर आपका लैब ज्वाइंट है तो अगर 6 बोल्ट आए हैं तो हो सकता है कोई इसको एक ही लाइन में लगाना चाहे तो वो सिंगल बोल्टेड के लिए डिजाइन करेगा, और अगर कोई इसको डबल लाइन में बनाना चाहेगा, जैसे मान लीजिए आप 2 लाइन में लगाना चाहते हो, तो आपका ये डबल वोल्टेड होगा। मैं प्रेफर करूंगी कि अगर 4 बोल्ट से ज्यादा आते हैं तो आप डबल लाइन कनेक्शन ही ड्रॉ करें रादर देन सिंगल वोल्टेड, या आप सिंगल लाइन में ना लगाएं, आप डबल वोल्टेड या डबल लाइन कनेक्शन ही बनाएं, ठीक है। तो यहां पे जैसे कि आप देखो, मैंने डबल वोल्टेड ही अज्यूम किया है, तो यानी मैं 2 बोल्ट ऐसे 2 लाइन में लगाऊंगी। तो जैसे ही आपने 2 बोल्ट लाइन में लगाए बोल्ट को, तो नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा 2। ये भी मैं बता चुकी हूं कैसे आएगा, एक बार फिर से मैं डायग्राम बता देती हूं। अगर आप 2 बोल्ट लाइन में लगाओगे बोल्ट, ठीक है, तो पिच अगर आप ये कंसिडर करते हो, ठीक, ये वाला एरिया, तो इस एरिया में देखो कितने नंबर ऑफ बोल्ट आ रहे हैं। हाफ ये है, हाफ ये, एक,
उसके बाद ये हाफ और ये हाफ मिला करके दो, तो यानी डबल बोल्टेड में हमेशा आपका नंबर ऑफ बोल्ट क्या रहेगा पर पिच टू। इसलिए पहले ये अज्यूम करना जरूरी है, आगे की कैलकुलेशन उस पर डिपेंड नहीं है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया डबल बोल्टेड है, याद रखिएगा चार से ज्यादा बोल्ट है तो डबल बोल्टेड ही बनाइए। अब इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, मैंने बोला था दो इक्वेशन आएंगी, हमको दोनों को इक्वेट करके पी के वैल्यू को निकालना है। तो सेम हमने स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच निकाला, सारी कैलकुलेशन आप देख लीजिए, वैल्यूज रखी, एक इक्वेशन ये आ गई, एक वैल्यू इनफैक्ट। दूसरे में हमने टीडीएन पर पिच निकाला, ये फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं, देख चुके हैं। यहां से हमको एक इक्वेशन ये मिलेगी, फिर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को जब हम इक्वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना एफ यू की जगह पे हमने 410 रखा है, यहाँ पे कुछ लोग 400 रख देते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। ये एफ यू प्लेट की बात हो रही है, प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410 होगी, एफ यू बी बोल्ट की स्ट्रेंथ होती है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज कभी जरूर से ध्यान रखें। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये वैल्यू रखी, तो हमें पिच यहाँ पे 60.32 मिल गया, ठीक। अब ये जो 60.32 हमको मिला है, इसको हम एज इट इज रख देते हैं, क्योंकि हमें चेक करना है। अगर तो ये पी की वैल्यू पी मिनिमम से ज्यादा हुई तो ही हम इसे कंसिडर करेंगे, नहीं तो हमें पी मिनिमम के बराबर पिच की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो पी मिनिमम का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डी की जगह पे हमने 20 रखा, तो ये पी मिनिमम आ गया हमारा 50। अब बट ऑब्वियस है ये हमारा 50 mm से या पी मिनिमम से ज्यादा है, तो मतलब ये वैल्यू हमारी ओके है, ठीक है, ये कंडीशन हमारी ओके हो गई। तो अब हम 60.32 अगर आया है तो ऑब्वियसली ये प्रोवाइड करने में नापने में दिक्कत होगी, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। राउंड फिगर में हमेशा 5 के मल्टीपल्स में आप ले लीजिएगा, तो हमने 65 पिच की वैल्यू ले ली, हमेशा 60, 65, 70, 75, 50, 55 इस टाइप से ही लेना है, ठीक है, ताकि प्रोवाइड करने में कैलकुलेशन में आसानी हो। तो यहां पे हमने जो पिच डिसाइड की है इस डायग्राम के लिए वो है 65 mm, ठीक। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप का आंसर हो गया एक ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड स्टेप में जाने से पहले हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मैंने बताया था। तो जैसे कि हमने पहले कहा है कि हम यहाँ पे डबल बोल्टेड या डबल लाइन हम प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरीके से डबल लाइन हो गई हमारी, और बी की वैल्यू हमको गिवन थी 210, पिच हम निकाल चुके हैं, तो दो बोल्ट के बीच का सेम लाइन में जो बोल्ट होंगे वो डिस्टेंस होता है पिच, तो ये हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया 65 65। अब हम ए की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, अगर ये पूरा डिस्टेंस हमको पता है यहां से यहां तक का, तो इक्वेशन बन जाएगी बी में से 2 × 65 जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ई आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे सिंपल लगाया है। ये फॉर्मूला आप जरा ध्यान रखें, अगर पिच अगर बी गिवन है तो, अदरवाइज तो ई मिनिमम के बराबर हो जाती है हमारी ई की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने सीधे वैल्यूज रखी, यहां से हमारी ई की वैल्यू आ गई 40, और ये हमने ई कंसिडर किया। अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 4, वीडीपीबी का फॉर्मूला लगाना है। उससे पहले हम यहाँ पे केबी निकालेंगे, केबी के लिए एक ई वाला फॉर्मूला है, एक पी वाला फॉर्मूला है। ई वाले फॉर्मूले में ई हमने 40 कंसिडर किया, ये आ गई केबी की वैल्यू। पी वाले फॉर्मूले में 65 कंसिडर किया तो ये आ गई। दोनों में से जो मिनिमम होता है वो केबी होता है, तो यहाँ पे 0.6 और 0.73 में से 0.6 हमारा आ गया, तो हमने केबी की वैल्यू ले ली 0.6। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखने के बाद हमें वीडीपीबी मिल गया 76.8। लास्ट कंडीशन जो चेक करनी होती है वो ये है, ये जो वीडीपीबी निकल के आया है वो वीडीएसबी से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा वीडीएसबी आया था आप देख सकते हैं पीछे जाकर के, ये हमारा वीडीएसबी जो फर्स्ट स्टेप में निकल कर आया था वो था हमारा 45.26, तो हमने यहाँ पे जो निकाला है वीडीपीबी वो आया है 76। तो यानी कि ये जो वीडीपीबी निकल के आया ऑब्वियसली ये वीडीएसबी से ज्यादा है, तो यानी ये जो हमने कनेक्शन बनाया वो सेफ है और ओके है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आपका फाइनल डायग्राम हो गया, और ये आपका एक आंसर हो गया ई की वैल्यू, ये पिच आपका एक आंसर हो गया, यहां नंबर ऑफ बोल्ट आ गया। तो ये सारे आंसर्स जो है वो आपको हाईलाइट करने हैं विद दिस डायग्राम, और लास्ट में ये कंडीशन आपने सेटिस्फाई करके दिखा देनी है। तो ये लैब जॉइंट की डिजाइनिंग थी, ये कोई भी लैब जॉइंट का क्वेश्चन होगा तो हमें इसी तरीके से डिजाइन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है हमारा बट जॉइंट के ऊपर, राइट। तो यहां पे देखिए क्या क्या है, हमें यहां पे डिजाइन करना है डबल कवर बट जॉइंट। टू प्लेट्स हैं 212 mm थिक, M20 बोल्ट्स दिए हुए हैं। अब यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली है, अरेंज द बोल्ट्स टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी आए ऐसे हमको बोल्ट को लगाना है, ठीक है। और फैक्टर्ड लोड जो हमको गिवन है वो है 500 kN। अब स्टार्ट करते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं लिखा था मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है तो इसको हम देखेंगे क्या इसका इंपॉर्टेंस है। पहले डेटा नोट करते हैं। अब देखिए डबल कवर बट जॉइंट, तो
मैंने बोला था टाइप ऑफ ज्वाइंट, तो डबल कवर से हमें पता चल गया एनएन की वैल्यू 2, ये वैल्यू मिल गई। बी हमको दिया हुआ है 200, टी हमको दिया है 12, एम 20 अगेन, तो एम 20 के लिए ये सारी वैल्यूज हमको मिल गई हैं डी से, ये मैं बता चुकी हूं अभी आपको वही चीज है। अब देखिए यहां पे फिर से एफ यू एफ यू बी वो सब सेम होगा, ठीक है। इसके बाद आपको फैक्टर्ड लोड यहां पे गिवन है 500, तो आप फैक्टर्ड लोड भी लिख सकते हो, यहां पे 500 हमको फैक्टर्ड लोड गिवन है, ठीक है। ये एक और डेटा है, बाकी एफ यू एफ यू बी और के एम बी वो सारी वैल्यू सेम है, बार बार नोट नहीं करेंगे। अब इसमें एक चीज, हमें थिकनेस डिसाइड करनी है। अब क्योंकि डबल कवर बट ज्वाइंट है, तो अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो एक कवर प्लेट ऊपर भी लगी होगी, एक कवर प्लेट नीचे भी लगी होगी। ये जो मेंबर्स हैं इनकी थिकनेस हमको पता है 12 है, ये 12 mm है और ये मेंबर भी 12 mm है। अब अगर हमें इस पूरे कनेक्शन की थिकनेस डिसाइड करनी है, तो 1, 2, 3, 4 इन चारों में से जिसकी थिकनेस सबसे कम होगी, मतलब मेंबर और कवर प्लेट में से जिसकी थिकनेस सबसे कम होगी वो हम थिकनेस कंसिडर करेंगे। तो ये तो हमें पता है 12 है। अब कवर प्लेट की थिकनेस हमको टीसीपी नहीं पता है, तो हम उसको निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला है कवर प्लेट की थिकनेस का, ये आप लोग याद रखिएगा, अगर नहीं दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपका जब आपने ये फॉर्मूला लगाया, टी की जगह पे अभी फिलहाल मेंबर की थिकनेस रखी, तो 7.5 मतलब 8 mm आप कंसिडर कर लो। अब 8 mm इसकी थिकनेस हो गई और इसकी थिकनेस भी हो गई 8 mm। तो कवर प्लेट की अगर हम इन टोटल देखें, तो कवर प्लेट की जो थिकनेस आएगी, यहां पे देखो डबल कवर है, वो 16 mm। तो अब ये 16 mm और 12 mm में से कौन सी कम है? 12। तो यानी थिकनेस हम कंसिडर करेंगे 12 mm, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर डबल कवर है तो दोनों कवर प्लेट की थिकनेस को कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है, 16। अगर सिंगल कवर होता तो एक थिकनेस 8 होती, एक थिकनेस 12 होती, तो हम थिकनेस की वैल्यू क्या रखते? 8 रखते। लेकिन यहां पे क्योंकि डबल है तो 8 + 8 = 16 और एक थिकनेस हो गई 12, तो दोनों में से कम हो गई हमारी 12, इसलिए हमने थिकनेस को कैलकुलेशन के लिए जो यूज करेंगे टी, वो हो जाएगा 12, ठीक है। अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वही सेम चीज, नंबर ऑफ वोल्ट्स निकालने हैं, तो फैक्टर लोड वीडीएसबी, वीडीएसबी हमने फटाफट कैलकुलेट कर लिया सारी वैल्यूज रख के। नंबर ऑफ वोल्ट हमारे आ गए फिर से 6, 5.52 आया, तो ऑब्वियसली हम 6 लेंगे। अब देखिए यहां पे जो मैक्सिमम एफिशिएंसी लिखी हुई थी क्वेश्चन में, जो मैंडेटरी था, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब होता है हमें किसी भी अगर कनेक्शन में मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो डायमंड पैटर्न में अरेंज करना होगा। डायमंड पैटर्न का मतलब होता है इस तरीके से बोल्ट का, अगर ये आपका ज्वाइंट है फॉर एग्जाम्पल, लैब ज्वाइंट ही मान लीजिए या बट ज्वाइंट मान लीजिए इसको, तो आपका जो बोल्ट का कनेक्शन है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। मतलब आप अगर 4 बोल्ट लगाने हैं तो 4 बोल्ट आप ऐसे लगाओगे, ठीक है। अगर आपको 5 बोल्ट लगाने हैं तो 5 बोल्ट आप इस तरीके से लगाओगे, ठीक है। इनफैक्ट 5 नहीं, आप 6 ही लगाओगे ताकि ये आपका इस तरीके से बनकर आ सके, ठीक है। तो डायमंड पैटर्न मतलब एक ट्राइंगुलर पैटर्न इस तरीके से आपका बन जाए और इससे आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, और हमको यहां पे यही चीज करनी है, ठीक। तो अब हम सबसे पहले स्टेप 2 में, जैसे कि हम करते आ रहे थे, सिंपल अपना नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच निकालेंगे। अब यहां पे देखिए सिंगल या बोल्टेड या डबल बोल्टेड तो है नहीं, अगर सिंगल बोल्टेड होता तो जैसे हमने लिया था 1, डबल बोल्टेड हम अगर लगा रहे होते तो 2 ले लेते। अब यहां पे कैसे पता चलेगा? जब हम ये डायग्राम बनाएंगे तो 6 बोल्ट हैं, उनको डायमंड पैटर्न में अरेंज करेंगे सबसे पहले, तो इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ये अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में हमारा यहां से ये देखिए बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें नंबर ऑफ पिच, बोल्ट पर पिच, तो ये हमारा पिच हो जाएगा एक ये वाला, ठीक है। इसमें हमारा आ रहा है 1/2, 1, 2 और 2.5। तो 1 अगर हम एरिया कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा 2.5 बोल्ट आ रहा है, ठीक है, इस लाइन में अगर पिच देख रहे हैं। अब अगर हम जैसे मान लीजिए इस लाइन में अगर पिच देखें, क्योंकि सेम लाइन में 2 बोल्ट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखते हैं, तो अगर हम ये वाला एरिया कंसीडर करें, ठीक है, तो यहां पे कितने बोल्ट आ रहे हैं? 1 बोल्ट ये आ रहा है, दूसरा बोल्ट ये है, और ये 3, यहां पे नंबर ऑफ बोल्ट निकल के आ रहे हैं 3। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच मिलेगा हम उसको कंसिडर करेंगे, तो यानी ये जो हमारा नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच आया है उसको हम कंसिडर करेंगे 3, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस बोल्ट लाइन के हिसाब से पर पिच हमारा एरिया ये वाला था, इसमें 2.5 बोल्ट आए थे, दूसरे बोल्ट लाइन के हिसाब से पर पिच हमारा एरिया ये वाला था, ठीक है, इसमें हमारे 3 बोल्ट आए हैं, तो यानी हमको मैक्सिमम लेना है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच?
3। तो सेम हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच 3 कंसिडर करके देखिए जब कैलकुलेशन किया तो ये स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच आ गई। फिर टीडीएन पर पिच निकाला, तो टीडीएन वाले फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पिच की वैल्यू। तो यहाँ पर जैसे ये फॉर्मूला था, इक्वेशन 1 आ गई थी और यहाँ से इक्वेशन 2 आ गई। तो जब हमने दोनों को इक्वेट किया इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यूज थी रखी, जैसे डी नॉट टी और एफ यू की वैल्यू रख करके ये हमने इक्वेशन बनाई। तो ये सॉल्व करने पे पी की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई 115। लेकिन ये जो 115 है अगर आप देखो तो ये सिर्फ 200 ही है। तो अगर हम इस 200 में 115 प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये 200 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो यानी हम 115 यहाँ पे पिच की वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पी मिनिमम हमने निकाल लिया, 50 आ गया। ठीक है, अब हम जब 50 आ गया है तो हम यहाँ पे पी मिनिमम से ज्यादा ही पिच लेंगे, तो हम यहाँ पे 60 ले लेते हैं। क्योंकि 60 अगर 200 में एडजस्ट भी करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप अगर 60 यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप मान के चलिए, अगर ये 60 लेते हो तो ये डिस्टेंस भी 60 हो गया। 120 अगर 200 में से 120 हटाओगे तो ई की वैल्यू हमको अच्छी खासी मिल जाएगी। तो यानी पिच की वैल्यू हम 60 यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद 60 लेने के बाद जब हम फिर से इस डायग्राम को सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बी माइनस टू पी, तो हमारा ये ई की वैल्यू भी आ गई 40, जो कि ई मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए। तो ये ई मिनिमम से ज्यादा है, मतलब ये भी ओके है। तो क्या डिसाइड हुआ, ई हमको 40 लेना है और पी हमको लेना है 60, क्योंकि 200 में है एडजस्ट भी करना है और पी मिनिमम और ई मिनिमम से ज्यादा भी होना चाहिए पी और ई की वैल्यू। तो ये हमारा ओके हो गया। ठीक, अब हम लास्ट स्टेप पे आएंगे, तो के बी निकाला फिर से ई और पी के फॉर्मूले से, तो ये दो वैल्यूज आई। ठीक है, 0.65 और 0.6, तो ऑब्वियसली 0.6 कम है तो हम 0.6 कंसिडर करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ पे 115 मिल गया वीडीपी भी। कंडीशन क्या है, वीडीपी भी शुड बी ग्रेटर देन वीडीएस भी, तो हम चेक कर सकते हैं वीडीएस भी हमारा आया था 90.52, तो ये हमारा 115 ऑब्वियसली इससे ज्यादा है, तो ये डिजाइन हमारी ओके है और सेफ है। राइट, तो ये हो गया बट ज्वाइंट। अगर यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं लिखा होता और इस केस में अगर हमारे 6 बोल्ट आते तो हम दो लाइन में बोल्ट को 3-3 करके प्रोवाइड कर देते, तो हमारा एनवीबीपी यहाँ पे हो जाता 2। लेकिन क्योंकि लिखा हुआ था मैक्सिमम एफिशिएंसी तो हमें डायमंड पैटर्न ही लगाना था। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और तो ये हमारा डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन के ऊपर दो न्यूमेरिकल्स थे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके आगे कराएंगे, तब तक आप नोट करें, इसको रिवाइज करें। थैंक यू।